BBCN News, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसके बारे में जरा बता। आज ये हमारी बहुत पुरानी मांग है, 8 सूत्री मांगों को लेकर के। हम पहले भी आज से गत 2 वर्ष पहले हमने धरना प्रदर्शन किया था, और उस समय के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी द्वारा हमारी जो संगठन की वार्ता हुई, उसमें हमारी सारी मांगों को जायज मानते हुए उन्होंने शीघ्र ही शासनादेश जारी करने का आश्वासन, लिखित आश्वासन देने के बाद में हमारा धरना प्रदर्शन और हड़ताल समाप्त की गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जो आज के समय में योगी आदित्यनाथ जी, इनसे भी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और इन्होंने हमारी मांगों को जायज़ माना सत्ता में रहते हुए भी। और जिस समय पुरानी सरकार थी उस समय आप सांसद थे, माननीय सांसद जी ने हमारी मांगों के समर्थन में एक पत्र भी जारी किया था जो हमारे संस्था के पास आज भी है। उन्हीं मांगों को लेकर के वही हमारी पुरानी मांगे हैं। हम बार बार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को बोर्ड में शासन में देते रहे, किंतु हमें झूठे आश्वासन अब तक 2 साल से दिए जाते रहे। हम पिछले 5 वर्ष से ई डिस्ट्रिक्ट का कार्य कर रहे हैं, कोई संसाधन हमें उपलब्ध नहीं कराए गए। जनता से ई डिस्ट्रिक्ट की जो फीस है 22 रुपये ली जाती है, जिसमें से 10 रुपये लोकवाणी केंद्र वाले का कमीशन और 12 रुपये सरकार को जाते हैं। उस 12 रुपये के हिसाब से भी अगर माना जाए तो सरकार के पास में बहुत सारे करोड़ों में संपत्ति पैसा इकट्ठा हुआ। उस पैसे से भी अगर लेखपालों को संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएँ तो हमें अपने वेतन से पैसा खर्च करके प्राइवेट लोकवाणी केंद्रों पर जाकर के कार्य न करना पड़े और हम जनता का कार्य सुगमता से कर सकें, समय से कर सकें। हमारे पास संसाधन नहीं है, हम जनता का काम समय से नहीं कर पाते। अब ये आपका प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, आज से ये प्रथम दिन है। हम तहसील पर दिनांक 7 तारीख तक तहसीलों पर इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगामी 9 तारीख से हम जिला कलेक्ट्रेट पर, सारे प्रदेश की कलेक्ट्रेटों पर हमारे लेखपाल संघों का धरना प्रदर्शन। हमारा तालाबंदी है? नहीं, हमारा बिल्कुल कलम बंद हड़ताल है, हम कोई कार्य लेखपाल संपर्क नहीं कर रहा। कलम बंद हड़ताल है हमारा, क्योंकि ऑफिस तहसील में नहीं होता, तालाबंदी हमारा नहीं है। बाकी जो संगठन हमें समर्थन देंगे अगर वो हमारे साथ आ रहे हैं, जैसे राजस्व शिक्षक संघ हमारे साथ आ गया है हमारी हड़ताल में समर्थन देने के लिए, उसको भी हम धन्यवाद देते हैं और लोग आएंगे। जनता का समर्थन भी हमें मिल रहा है। लेखपाल संघ ने आज यहाँ हाथरस में धरना प्रदर्शन, जो कि प्रदेश व्यापी ये धरना प्रदर्शन है और ये कलम बंद आंदोलन के रूप में छेड़ दिया गया है। इनकी विभिन्न समस्याएं जो काफ़ी लंबे समय से सरकार मानती तो है लेकिन उसका परिणाम उनको देने को तैयार नहीं होती है, वक्त पर वायदा करती है और मुकर जाती है, ऐसे इन्होंने विचार हमारे सामने रखे हैं। मैं कैमरामैन सोनी के साथ महेश चंद्र, BBC न्यूज़। श्री बालाजी कंप्यूटर्स, मछली वाला शोरूम, चौराहा पसरट्टा बाज़ार, हाथरस। अगर आपको चाहिए अर्जेंट रबड़ की मोहर है तो आए हमारे प्रतिष्ठान मछली वाला शोरूम, पसरट्टा बाज़ार, चौराहा, हाथरस। हमारे यहाँ विजिटिंग कार्ड, लेटर पैड, बिल बुक, पैम्पलेट्स, पोस्टर, स्टिकर, बैनर आदि की छपाई की जाती है। हमारा पता एक बार नोट करें, श्री बालाजी कंप्यूटर्स, मछली वाला शोरूम, चौराहा पसरट्टा बाजार, हाथरस। मछली वाला शोरूम, चौराहा पसरट्टा बाजार, हाथरस। अगर आपको चाहिए फिश एक्वेरियम या फिर रंग बिरंगी मछलियाँ तो आएँ हमारे शोरूम श्री बालाजी कंप्यूटर्स, पसरट्टा बाजार, चौराहा, हाथरस।